वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिफला चूर्ण के फ़ायदों के बारे में। त्रिफला चूर्ण, सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिफला चूर्ण यानी कि कौन सा चूर्ण, क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो त्रिफला चूर्ण के अंदर एक भाग हरड़ होती है, दो भाग बहड़ा होती हैं और तीन भाग आंवला होता है। इस प्रकार से जो है त्रिफला चूर्ण बनता है। और अगर आप इस तीन चीज़ों को मिलाकर घर में अगर कोई त्रिफला चूर्ण बनाना चाहते हैं तो भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपको इसी प्रकार से लेनी है जैसे मैंने आपको बताया। अगर 10 ग्राम आप हरड़ ले रहे हैं तो सामने 20 ग्राम आपको बहड़ा लेनी है और 30 ग्राम आपको आंवला लेना है। इन तीनों को जो है आपको बहुत अच्छे से सूखने देना है। किस में सूखना है? धूप में, धूप में सुखाना है इसे और बहुत ही अच्छी तरह से इसे सूखने देना है। जब ये पूरी तरह से सूख कर एकदम कड़क हो जाए तब इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है और बहुत ही इसका बारीक चूर्ण बना लेना है, पीस लेना है इसे। अब बात करें कि किस परेशानी में त्रिफला चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर शरीर में सूजन आती हो तो इसे ये कम कर देती हैं। और किसी भी कारण से, चाहे उसका जो भी कारण हो, जिस वजह से भी व्यक्ति को सूजन आ रही हो तो उसको वो ठीक कर देती हैं। कारण जानने की ज़रूरत नहीं होती, त्रिफला चूर्ण हर प्रकार की सूजन को कम कर देती हैं। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह का रोग है तो भी व्यक्ति ये त्रिफला चूर्ण जो है वो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। आप मधुमेह की परेशानी में भी त्रिफला चूर्ण खा सकते हैं क्योंकि ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। स्किन की अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है तो उससे ये छुटकारा दिलाती है। त्वचा का रंग अगर खराब हो रहा है या फिर हो गया है तो भी ये इसे निखारती है। अगर कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है तब तो आपको त्रिफला चूर्ण का सेवन ज़रूर से करना चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ये कम करती है और दिल को स्वस्थ करती है। किसी व्यक्ति को अगर प्लाक और मसूड़े की सूजन आती हो तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाती है, यानी कि मौखिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाती है। और कुछ अगर त्रिफला चूर्ण के फायदे और अगर देखें तो ये रेचक है, सूजन रोधी है, एंटीवायरस है, खून को भी साफ करता है, दर्द निवारक है, यानी कि अगर कोई दर्द हो रहा है तो वहाँ पर भी अगर आप इस चूर्ण का सेवन करते हैं तो उसमें राहत मिलती है। गठिया का रोग अगर किसी व्यक्ति को है तो उसे भी ठीक कर देती है। ये जो त्रिफला चूर्ण है ये जीवाणु रोधी भी है, यानी कि अगर आपको कोई संक्रमण लगने वाला है तो उसको भी ये रोक देती है। तनाव को दूर करती है, थकान अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे दूर करती है। निमोनिया और एड्स जैसी परेशानियों में भी इसका उपयोग बहुत अच्छे तरह से होता है। अगर किसी को संक्रमित रोग लग गए हैं जैसे कि पेरियोडोटल, अगर इस तरह के संक्रमित रोग लग गए हैं तो उसे भी बहुत जल्दी ये ठीक कर देती हैं। अगर कुछ लोगों को सिरदर्द, अपच, जलोदर, लुकोरिया, अगर ऐसी परेशानियाँ होती रहती हैं तो भी उस व्यक्ति को जो है नियमित रूप से त्रिफला चूर्ण का सेवन करना चाहिए, उससे भी इस व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाने हैं, कुछ छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने जानने की कोशिश की है कि त्रिफला चूर्ण के फ़ायदे क्या हैं। अगर आप और भी फ़ायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।